गिलास पानी लाना, खेत में जाना है। इतनी जल्दी, इतनी सुबह, इतनी जल्दी से तुम कभी जाते नहीं थे? वहाँ जो हमारे बच्चे हैं ना, उनमें से एक का तबियत खराब है। हाँ हाँ, तुम्हारे जो पौधे वाले बच्चे हैं ना, तुम उसे संभालो, मैं घर संभालती हूँ। लो पानी लो। राम राम बच्चों, सब कैसे हो? सब बढ़िया? और तुम कैसे हो? कल तो तुम्हारा तबियत भी कुछ ठीक नहीं था, कल तुम कुछ खाना भी नहीं खाया था, लेकिन आज तुम्हें खाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, मैं निकलता हूँ, कल मिलेंगे। राम राम काका। राम राम बच्चा। राम राम, कैसे हो? सब कुछ कुशल मंगल है ना? हाँ काका, मैं बढ़िया हूँ, और आप? मैं तो ठीक हूँ। और काकी? काकी भी ठीक है। अरे बेटा, मैं सुना हूँ तुम इन पेड़ों से बहुत प्यार करते हो। हाँ काका, आपने सही बोला, ये जो पेड़ है ना, बिल्कुल मेरे बच्चे जैसे हैं। बच्चे तो नहीं, बच्चे से भी बढ़कर हैं। और इनके साथ बात करना मुझे बहुत ही सुकून मिलता है, और इतनी गर्मी में इनकी छांव में बैठना काका बहुत ही आनंद मिलता है। हाँ ये तो सही बात है, ये बात तो सब जानते हैं कि तुम इन पेड़ों से कितने प्यार करते हैं। हाँ काका, जो इनके जो फल है ना, वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। ये तो सही बात है। और जो फूल है ना, वो बहुत ही सुगंधित होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल काका, एक ऐसे रुख है ना, जो हमेशा कुछ ना कुछ देती ही रहती है। हाँ ठीक है, जीवन भर कुछ ना कुछ देती ही रहती है। जो हवा देख रहे हो ना काका, सभी इन्हीं की बदौलत है। और हम भर के क्या दे जाते? भी नहीं, ये अपना बलिदान देकर भी हमें बहुत कुछ दे जाते हैं। कैसे? जैसे हमारे बचपन से शुरू करकर हमारे मृत्यु तक, इस संसार में एक ही साथी है काका, जो हमारे मरने के बाद भी हमारे चिता में जलते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही होते हैं काका। अच्छा काका, मेरा कुछ काम है, मैं निकलता हूँ। हाँ। राम राम काका। राम राम बेटा। काकी को बोल देना घर वाली बुला रही थी। हाँ ठीक है। यही तो हूँ, क्या हुआ इतना चिल्ला रहे हो? हे भगवान, बेटे की शादी करनी है, नया घर बनाना है, पास में जो बागवानी है उसे साफ तो करवाओ, और उसमें जो पौधे लगे हैं उसे तो कटवाओ। क्या नया घर बनाने के लिए पौधे और पेड़ को साफ करना पड़ेगा? ये नहीं हो सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? बोला ना, नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। पापा अब जो कुछ भी करो, कुछ पेड़ तो काट नहीं पड़ेंगे। और नहीं तो क्या, कुछ नया लगवा देंगे। नया लगा दोगे? कहाँ बच्ची है जगह? ऐसे कहकर तो देश की सारी जंगल ही नष्ट कर दी। 20 साल पहले क्या था? अखबार पढ़ते हो? दिल्ली का हालत पता है? वहाँ लोग सांस नहीं ले पाते हैं, स्कूल कॉलेज कई दिनों तक बंद रहता है परिवेश प्रदूषण के कारण। वो लोग पेड़ काटकर दिल्ली का हालत ऐसा बना दिया, बच्चे बाहर घूम नहीं सकते, फिर नहीं सकते, खेलने के लिए नहीं जा सकते। वो वहाँ के लोग मकान बना के दिल्ली का हालत ऐसे बना दिया। वो लोग देश की भगवान के पीछे पड़े हो, और तुम माँ बेटे मेरे भगवान के पीछे पड़े हो। नहीं कटेगी कोई पेड़, ना कोई होगा भगवान के साथ। पापा अब जो कुछ भी करो, पेड़ के लिए ये झूठ फूट का त्याग दिखावा बंद कीजिए। पेड़ तो कटेंगे ही, आप ना अपनी उसी बात अपने पास रखो। चलो ना, उन्हें तो हमसे कोई प्यार ही नहीं है, उन्हें तो इन बेजुबान चीजों से ही प्यार है। चलो अरे बेटा तुम तो सुनो बेटा सुनो, ये जो सारे बड़े बड़े पेड़ देख रहे हो ना भैया, उन्हें सब काट दो। ये सब बड़ा ये सब बड़ा बड़ा पेड़, हमें बड़ा मकान बनाना है ना, इसलिए। आपकी मर्जी। अरे रुक जाओ, इन्हें मत काटो। ए मेरे कलीजे के टुकड़े को तुम मत काटो, इन्हें मत काटो, इन्हें काटते हुए मैं नहीं देख सकता।
क्या हो गया इस पढ़ी लिखी समाज को जो अपनी सुकर संपत्ति के लिए इस असीम संपत्ति को नष्ट कर रहा है। कल गाड़ी होगा, बंगला होगा, लेकिन ए नहीं होगे तो हवा नहीं होगा, जब पेड़ नहीं रहेगा ये सब किसी काम का। क्या हो गया, कोई तो समझाओ, कोई तो इन्हें रोको, कोई तो इन्हें समझाओ, इन्हें काटते हुए मैं नहीं देख सकता, कोई तो इन्हें समझाओ, रोको, कोई तो इन्हें रोको। पापा क्या कर रहे हो आप, हटिए यहाँ से। अजय अजय, अरे ये क्या कर रहे हो? पेड़ कटवा रहा हूँ, नया मकान बनवाना है ना, इसलिए। अरे ये तो सही बोल रहे, तू तो बड़ा मकान बना देगा ठीक है, मगर कल वो नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो तू बचेगा कैसे? तेरे बच्चे तुझे पूछेंगे हमें मकान नहीं, अच्छी अच्छी हवा चाहिए, जल चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तू क्या करेगा उनको? तेरे बच्चे तुझे धिक्कार करेंगे, अब तो जाके जाओ। सही है, मगर मगर क्या? मगर मकान नहीं बनाऊंगा तो शादी कैसे होगी? वो जो मकान है ना उसे ठीक ठाक कर दो, सब परेशानी खत्म। सही है, तूने सही बोला मेरे यार, तूने अपने की आंखें खोल दी। पापा पापा उठ जाओ, पापा उठ जाओ, मैं और पेड़ नहीं काटूंगा पापा, नहीं काटूंगा, बल्कि और पेड़ लगाऊंगा, हरियाली लाऊंगा पापा, हरियाली लाऊंगा। क्या सच में तू और पेड़ नहीं काटेगा? नहीं पापा, और नया पेड़ लगाएगा, हरियाली लाएगा। हाँ पापा हाँ।